أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من الثاني يفقه قولي رب زدني علما بارا 19 ريكاب ربع آخر سورة نمل آية نمبر 7 سي 59 بسم, ال... بسم الله الرحمن الرحيم इस जब कौला कहा मूसा मूसा सलाम ने ले आहली ही अपने घर वालों से इन्नी बेशक में आनस्तु मैंने देखी है नारन आग सीकुमरीब में लाऊंगा तुम्हारे पास मिनहा उससे भी खबर इन कोई खबर औ या आती कुम मैं लाऊंगा तुम्हारे पास बेशहाबिन कोई अंगारा कबर से सलगता हुआ लाकुम ताकि तुम तुम सब ताको यानी गर्मी हार, हासिल करो हरारत हासिल करो याद होगा जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या कोई आकर से लगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम सेंग ताप कर लो अब यहाँ पर उस वक्त के वाक का जिक्र है जब मूसा मदियन में कई साल गुजारने के बाद अपने अहलोयाल को साथ लेकर कोई ठिकाना तलाश करने जा रहे थे जब वो इस मकाम पर पहुंचे जो अब कोई सीना और जबले मूसा कहलाता है तो वहां आ, ये वाला वाकया पेश आया यहाँ उस वाक का जिक्र है ये रात का वक्त था और जाड़े का मौसम था हजरत मूसा एक अजनबी इलाके से गुजर रहे थे जिससे उन्हें कोई खास वाकफियत ना थी इसलिए उन्होंने अपने घर वालों से फरमाया मैं जाकर मालूम करता हूँ कि कौन सी बस्ती है जहाँ आग जल रही है और आगे किधर रास्ते जाते हैं क्योंकि और आगे कौन कौन सी बस्ती है ता, ताकि अगर वो मतलब के उनसे खबर हासिल हो सके रास्तों के बारे में लेकिन अगर वो भी हमारी तरह कोई मुसाफिर हुए जिनसे हम कोई मालूम ना मिल सके तो कम अज कम मैं कुछ अंगार ही ले आऊंगा ताकि तुम लोग आग जलाकर गर्मी हासिल कर सको अभी मुश्किल वर्ड है करीब में ले आऊंगा तुम्हारे पास भी शहाबिन अंगारा खबर सिंह सिलकता हुआ और तस्ून के तुम सब ताप लो या गर्मी हासिल कर लो फलम्मा फिर जब जा आया उसके पास आवाज़ दी गई उसे अन्य भूरी का बरकत दी गई है मन जो नारी आग में वाह मन जो उसके इर्द गिर्द वाह और अल्लाही पाक है अल्लाह तबीन रब है सब जहानों का जब वो पहुंचे तो आवाज दी गई कि बरकत है वो जो इस आग में है और बरकत दिया गया है वो जिसके आस पास है और पाक है अल्लाह तमाम जवानों काजीजू अन अल बहुत अलम बहुत हिकमत वाला क्या मूसा सुन बात यह है कि मैं ही अल्लाह गलब बिकमत वह अल्की और तुम डाल दो अफवा अपनी लाठी फलम्मा फिर जब रोआहा उसने देखा उसे तहतज़ु, तजू वो हरकत कर रही थी मतलब मूसा ने जब अपनी लाठी को देखा तो वो हिल रही थी कन्ना गोया के वो जानुन एक सांप वल्ला वो लौटा मुदबिरन पीठ फेर कर वलम और ना यू उसने पीछे मुड़कर देखा या मूसा ए मूसा ला तफ तुम डर इन्नी बेशक में ला यू नहीं वो डरता लद्दिया मेरे पास अलमुरस मतलब के तू अपनी लाठी डाल दे अपनी लाठी डाल दे मूसा मूसा ने जब उसे हिलता हुआ देखा इस तरह के वह गोया एक सांप है तो मुंह मोड़े हुए पीट, पीट, पीट फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा तो आगे की ए मूसा खौफ ना खा मेरे हजूर में पैगम्बर डरा नहीं करते इल्ला मगर मन जिसने गौलाम जुल्म किया सुनमा फिर बदला बदल दिया हुसन नेकी से बाद बुराई के बाद फैनी तो बेशक मैं गफूर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर उसके एवज़ नेकी करें इस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ अब यहाँ पर ये यानी कसूर करने वाला भी अगर तोबा करके अपने रवैये की सलाह कर ले और बुरे अमल के बजाय नेक अमल करने लगे तो मेरे हाँ यानी अल्लाह तला के हाँ उसके लिए अफह दरगुजर का दरवाजा खुला है इस मौके पर यह बाजात फरमाने से मकसूद एक तंबी भी है और एक विशारत भी है हजरत मूसम से दाना दा तौर पर गलती से कतल हो गया था मिसर में यह कसूत्र जिसकी तरफ लतीफ़ी शारा फरमाया गया है तो जब ये कसूर उनसे बिला इरादा सरदर्द हो गया तो उन्होंने उसके फौरन ताला से माफी मांग ली और अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनको माफ कर दिया था अब यहाँ उसी माफी की बिशारत उन्हें दी गई है कि गोया मतलब मूसा मेरे तुमसे जो कसूर सरदर्द हुआ तुम उसकी वजह मतलब से डर तो जरूर मतलब तुम तुम्हारे दिल में डर तो हो सकते हैं लेकिन जब तुम उस बुराई को भुला कर बदल चुके हो मतलब माफी मांग चुके हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए मकफिरत का रास्ता है दरवाजा खुला है और दाखिल कर यादा का अपना हाथ फी जेबी का अपने ग्रबान में तखरुज विकलेगा बे सफेद में इन किसी बीमारी के या बगैर किसी तकलीफ के फीसी फी आयातिन नाफिरा तरफ फिरौन के कौमी ही और उसकी कौम के इन नो कान सब हैं कौमन कौम या लोग फास्किन फास्यक। के और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल वो सफेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐप के तू नौ निशानियां लेकर फिर और उसकी कौम की तरफ जा यकीन वो बदकार होगा गुरु है अब यहाँ पर आगे है फलम्मा फिर जब जा तुम आई उनके पास आया तू ना हमारी निशानियां मुबसरतन आगे खोल दे, देखने वाली कौल उन सबने कहा हाजा सिहरुमुबीन ये वाजे जादू है बस जब उनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मुझे पहुंचे मतलब फिर उनकी कौम के पास तो वो कहने लगे ये तो सही जादू है वह जहादू और उन सब ने इनकार किया हा, हालांकि इस तई का इस तई का न यकीन कर चुके थे उनका आंफ उनके नफ़्स़ नफ़ जुलमन जुलम व और तकबर फूर साहब देखिए कैफा काना आकेबत कैसा हुआ अंजाम फसाद करने वालों का उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकबर की बिना पर उन्होंने इनकार किया था बस देख लीजिए कि इन फितना पर लोगों का अंजाम कैसा हुआ अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड है जहाद की उन सब ने इनकार किया इस सही करत हा कि वो सब यकीन कर चुके उन यकीन कर चुके थे उनका वह उलूबा तक तकबुर और अलबत्त तह आतेना हमने दिया दाऊद व सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्मन एक इल्म वा और कौला उन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है अल्लाह जिसने फजलना फजीलत हमें आला कसीर इन अक्सर पर मिनाइबाद हिल मोमिनीन अपने सब मोमिन बंदों में से कि और हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था और दोनों ने कहा तारीफ उस ताला के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई है व वा, वा वारिसा और वारिस बने सुलेमान व सुलेमान अलैहि सलाम दाऊद दाऊद अलैहि सलाम के व कला और उसने कहा या अयहुननास ए लोगों उल्लिमना हम सिखाए गए मोती क्व तई परिंदों की बोली या परिंदों की जुबान व उतीन और हम दिए गए में कुल्ली हर चीज से इन्ना बेशक हाजा ये मुबीन यकीनन यही फ़ज़ल है वाज़े और दाऊद के, और के सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाए गए और कहने लगे लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ और हम और हम सब कुछ मैसेज दिए गए हैं बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है अब यहाँ पर विरासत से मुराद नबूत और खिलाफत है दाऊद सलेमान को मिली

सुलेमान सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए हर हर किस्म के उनकी अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड है आउन कि वो सब अलग अलग तकसीम किए जाते थे हती यहाँ तक के इजा आता वो सब आए अला आ, पर वाद नमली चूंटियों की वादी पर यानी वादी नमल पर नमल चूंटी

जब वो चुनटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चुंटी ने कहा अपने-अपने hey, घरों में में हो, ऐसा ना हो कि बेखबरी सुलेमान के ना दे तुमको। आ, आ, उसके बाद आगे फतेह तो वो मुस्कुराया कौन सुलेमान जाहिकन हंसते हुए मिन कौली हा उसकी बात से क्योंकि उनको तो जुबानें आती थी परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की

बी का अपनी रहमत से फी इबादी का फीबादी अपने बंदों में नेक तो उसकी इस बात से सुलेमान मुस्कुरा कर हंस दिए और दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार तू तो फीक दे मुझे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं और मेरे माँ बाप पर और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिसे तू खुश रहे मुझे अपने रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले अब यहाँ पर जो नया वर्ड है वो है जोहिकन यानी हंसते हुए अच्छा फक, तो उसने जायजा और उसने जायजा लिया और पैरा परिंदों का अब यहाँ पर जायजा किसने लिया हजरत सलेमान ने तो फकोला तो उसने कहा माँ क्या है लिया मेरे लिए ला नहीं अर मैं देखता अलहुद हुदा हुद को क्यों मतलब मुझे हुद, हुद, हुद आज की महफिल में, में नजर नहीं आ रहा अम या काना है वो मिनल गिन गायब होने वालों में से आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे ये क्या बात है कि मैं खुद खुद को नहीं देखता क्या वाकई वो गैर हाजिर है अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड है तफक्दा के उसने जायजा लिया ला जरूर बिल जरूर मैं सजा दूँगा उसको अजाबन शदीदन सख़ सजा औ लाअ बहना हूँ बता जरूर बिल जरूर मतलब जरूर ऐसा होगा कि मैं जिबा कर दूंगा उसे या लयातिय वो बिल बिल जरूर बिल जरूर लाएगा मेरे पास कोई दलील मुबीन अब यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा लाज जरूर बिल जरूर मैं सजा दूंगा उसे अविया लज बहना जरूर बिल बिल जरूर मैं ज़िबा कर दूंगा उसको अवयातनी वो जरूर लाए मेरे पास सुल्तान को वाज दली मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसको जिबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई दलील बयान कर फमाका साहब फिर वो ठहरा दिन थोड़ी सी देर फकौल तो उसने कहा आह तू मैंने अथा किया बीमा उसका जो लम नहीं तो तूने तू किया भी उसका वह और जी का में आपके पास मिन सबा से बिना एक खबर लेकर आया वादी से यकीनी मतलब पक्की खबर कुछ ज्यादा देर गुजरी थी कि आकर उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे खबर ही नहीं मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड है फाका फा सा फिर वो ठहरा फा फिर मा सा ठहरा इन्नी बेश में जत्तू मैंने पाया इमरातन एक औरत को तमल हुकूमत करती है उन पर वह ऊती और वह दी गई है हर चीज से वलहा और उसका और तख्त है अजीम आलिशान अजीम शान अब हु ने बताया कि मैंने देखा है उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है किन की सबा कौम के जो लोग हैं मतलब सबा वादी में जो लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है कि मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है

बस तो उसने रोक दिया है उनको आने सबीली रास्ते से वहम होम बस वो ला या तदू नहीं वो सब हदायत पाते हजायत मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह तोड़कर को सूरज को सजदा करते हुए पाया शैतान ने उनके लिए उनके काम को भला करके दिखलाया है कि वो सही राह से रोक दिया है मतलब शैतान ने उनको उनका ये सूरज की पूजा करना इतना खूबसूरत बना के दिखाया और उनको असली रास्ते से यानी अल्लाह की मदद से रोक दिया है बस वो हदायत पर नहीं आते अब यहाँ पर जो है आगे है कि अल्लाह ये सूरज सूर क्या है आयत सजद है अल्लाह के नाम यशुदु वो सब सजदा करते हैं और अल्लाह अल्लाह को अल्लाह वो यू खुरीजु जो निकालता है अलखब आ छुपी चीजें फिर समावादी वलारजी आसमानों में से और जमीन से वो यालम और वो जानता है माँ तो जो तुम सब छुपाते हो वह जो तो तुम सब जाहिर करते हो कि उसी अल्लाह के लिए सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोषिदा चीजों को बाहर निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है रबुल ला गजीम, गजीम का। उसके सिवा कोई महबूद बरहत नहीं वही अजमत वाला अर्श का मालिक है कॉला उसने कहा सनजू रन गरीब हम देखेंगे आ क्या सदकता तूने सच कहा है अम या कोता तू है मिनल काजी भी में से। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है हाँ तू भी भी, डाल से ही उनकी तरफ सुम्मा फिर तवल तू हट जा तू देख माजा क्या वह सब जवाब लुटाते हैं कि मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे उनके पास से हट आ और देख के वो क्या जवाब देते हैं कहा या दरबारियों बेशक में उल्किया में वो डाला गया है इलिया मेरी तरफ किताबों ने खत करीम इज्जत वाला अब ये कौन है वादी सभा की जो थी और जिन पे हाकिम थी वो कहने लगी है सरदारों मेरी तरफ एक बुकत खत डाला गया है इन्ना बहुत करने वाला, बहुत के वो के, जो, जो सलेमान की तरफ से है वो खा और वह बख्श बख्शिश करने वाला मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है अल्लाह ये के ना तालु तुम सब सरकशी करो अलिया मेरे मुकाबले में वातूनी और तुम सब आ जाओ मेरे पास मुसलमिन सब फर्मा बर्दारी फर्मा बरदारी करने वाले उसमें ये, है कि ये कि ना तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ उसने कहा या अयूहल ऐ दरबारियों अब तूनी तुम सब मशवरा दो मुझको फी अमरी मेरे मामले में माँ नहीं क्वतियातन कतई फैसला करने वाली अमरन किसी काम का हत्या या तक के तश तशहदून तुम सब हाजिर हो मेरे पास उसने कहा है मेरे सरदारों तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो मैं किसी अमर का कतई फैसला तब जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड है अफ तूनी तुम सब मशवरा दो मुझको कौलू सब ने कहा नहनु हम उलू कुत इन कुवत वाले वा और उलू बान सख्त जंग वाले वाल अमरू और मामला तेरे पा, तेरे पास। क्या तामुरीन हुकम देती है। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुवत वाले सख्त लड़ने भरने वाले हैं आगे आपको अख्तियार है आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती है उसने कहा उसने औरत ने इन्ना बेशक का बादशाह जब दखलू वो सब दाखिल होते हैं किसी बस्ती में अब सब खराब कर देते हैं वो जालू, वो सब कर देते हैं इज्जत इज़त वाले आहलहा उसके रहने वाले अजिल्लाल वजाल और इसी तरह यार वो सब, वो सब करेंगे उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाजत लोगों को जलील कर देते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे वह इन्नी और बेशक में अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड था कि वो पड़ता खरा, खराब कर देते हैं अब ये फसाद वाले रूप से मिलता जुलता है वह इन्नी और बेशक में तुल भेजने वाली हूँ उनकी अः बेहद तोहफे के साथ फनाजन फिर देखने वाली बीमा किसके साथ वो लौटते हैं सब भेजने सब भेजे जाने वाले मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं फलम्मा तो जब जा कासिद आया सुलेमान सुलेमान सलाम के पास कौला ने कहा आ क्या तुम दूना नहीं तुम सब मदद करते हो मेरी बीमार इन साथ माल के फमा तो जो आता नहीं दिया है मुझे अल्लाह तला ने खैर बेहतर है मिम्मा उससे जो आताकुम उसने दिया है तुम्हें बल बल्कि आ तुम तुम भी हदीयत अपने हदीये से तफरहून तुम सब खुश होते हो जब कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उससे तुम्हें दिया है बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो अब यहाँ पर जो है इस जुमले से मकसूद अः जो है वो इजहार फखर या तकबूर नहीं है असल मुद्दा ये है कि मुझे तुम्हारा माल मतलूब नहीं है बल्कि तुम्हारा ईमान मतलूब है या फिर तुम कम से कम जो चीज मैं चाहता हूँ वो ये है कि तुम एक साल निजाम के ताबे हो जाओ इस्तू लो वो तो वो तो, वा, तो वापस जा उसे कहा जो आया था सफीम उनकी तरफ फलानातन्ना पर जरूर बिल जरूर हम आएंगे उनके पास बे जुनूदिन लश्करों के साथ लकीबला नहीं कोई मुकाबले की ताकत लहूम उनको बिहा उनके साथ वा और लनुखरी जन्ना हम अलबता हम जरूर निकाल देंगे उन्हें मिनहा उससे अजिलत बेजत कर कर वहम और वो सौर सब जलील होंगे अब जाओ उनकी तरफ वापस लौट जा हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं और हम उन्हें जलीलो पुस्त कर कर वहां से निकाल बाहर करेंगे यानी ए सफी तो ये हदिया वापस ले जो आपने भेजने वालों की तरफ और उन्हें या तो हमारी पहली बात माननी पड़ेगी कि मुस्लिम होकर हमारे पास हाजिर हो जाए वरना हम उनके उन पर लश्कर लेकर आएंगे इसके बाद सफात मलका का हदिया वापस ले सफी जो था वो आया था वो वो मलका का हदिया वापस लेकर पहुंचा और जो कुछ उसने देखा और सुना था उसने अर्ज कर दिया मलका ने सब सुनकर यही मुनासिब समझा कि वो खुद उनसे मुलाकात के लिए बैतुल, बैतुल जाए। उसने दरबार सुलेमानी में कि मैं आपकी दावत आपकी दावत खुद जुबान से सुनने और फिर गुफ्तुकु करके गुत करने के लिए हाजिर हो रही हूँ जिसका जिक्र आगे आ रहा है उसके बाद लाहुम उन कि आगे कहा तुम में से कौन यातीनी वो लाएगा मेरे पास भी अर्शिहा उसके तख्त को मतलब मलगा के तख्त को कबला पहले आई ये के यातूनी वो सब आए मेरे पास मुस्लिम सब फरमा बरदार अगर आपने फरमाया है सरदारों तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका खत मुझे उसका तख्त मुझे ला दे वही वाला तख्त जिसका जिक्र हुआ था कि यानी वो तख्त जिसके बारे में हदूद ने बताया था कि उसका तख्त बड़ा अजीम शान है जिसका मकसद तबलीग के लिए

आतीका मैं ले आऊंगा आपके पास भी उसको मैंने उस तख्त कबलब कबल, कबल के तकुमा आप उठे का अपनी जगह से वहां और बेशक में आई ही उस पर यकीनन ताकत रखने वाला हूँ अमीन अमानतदार एक कवि हैकल जिन कहने लगा आप अपनी इस मजलिस से उठें इससे पहले ही पहले मैं ऐसे तख्त को आपके पास ला देता हूँ यकीन मानिए कि मैं इस पर काजिर हूं और हूं भी अमानतदार। दार उसने कहा अल्लाजी जो एंदाहु उसके पास इल्म एक इल्म मिनल किताबी किताब से आनाम है आती का मैं ले आता हूं आपके पास भी ही उस शख्स को कबरा पहले अन ये के यरतदा लौटे यानी झपके इलाइका आपकी तरफ तरफुक आपकी आंख यानी आपके आंख झपकने से पहले मैं उसका तख्त ले आऊंगा यहाँ पर फलम्मा फिर जब रोआ उसने देखा उसे मुस्तकिर रखा हुआ एंदा हु अपने पास औला कहा हाजा ये मे फजी रब्बी मेरे रब के फजल से है नी ताकि वो आजमाए मुझे आ क्या अशकरु में शुक्र करता हूं हूँ या अकफुर में ना शुक्री करता हूं वो मन और जिसने शकारा शुक्र किया तो तो बेशक सिर्फ यशकुरु वो शुक्र करता है लिनफसी अपनी जात के लिए वो और जिसने गफारा ना शुक्री की फना तो बेश मेरा रबानी चुन बहुत बेपरवाह है करीम बहुत करम करने वाला है जिसके पास किताब का इलम था वो बोल उठा कि आप पलक जबके इससे भी पहले मैं उससे आपके पास पहुँचा सकता हूँ जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे यही मेरे रब का फसल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या मैं ना शुक्रिया करता हूँ शुक्रगुजारी अपने ही नफे के लिए शुक्र मतलब जो शुकर गुजार है वो अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है और न, जो ना शुक्री करे तो मेरा कौन था इसका कोई सही दलील नहीं है कौला कहा नकिरू तुम सब सूरत बदल दो लहा उसके लिए अर्शहा उसका तख्त मतलब उसके तख्त में थोड़ी सी ना चेंजेस कर दो नंजूर हम देखे आ क्या तहतदी वो रह पाती है अम या तकून वो है मिनल लजीना उन लोगों में से ला नहीं आता वो रह पाते हुकम दिया कि इस तख्त में कुछ फेर बदल कर दो ताकि मालूम हो जाए कि ये रह पा लेती है या उनमें से होती है जो रह नहीं पाते यहाँ पर ये जू मायन फिक्र मतलब दो मतलब है इसके पहला मतलब ये है कि वो यका अपना तख्त अपने मुल्क से इतना दूर मौजूद पाकर ये समझ लेती है या नहीं कि उसका तख्त तो उठाकर लाया गया है या दूसरा मतलब यहाँ पर यह हो सकता है कि वो उस मोजे को देख कर हदायत पाती है या अपनी पर कायम रहती है कि मतलब अपना दस दिन वो वाकई मान जाती है कि कोई गैर मामूली कुदरत है फिर जब वो आई अब यहां पर पिछली आयत में मुश्किल वर्ड था नकी रू के तुम सब सूरत बदल दो या चेंजेस कर दो थोड़ी सी फलम्मा फिर जब जात वो आई आईला कहा गया आ हा, क्या हा का हा, इसी तरह का है अर्शुक तेरा तक गलत उसने कहा का अन्ना गोया ये हुआ वो ही है वाहना और हम दिए गए थे अल इल्मा इल्म मिन हा उससे पहले वा कुन्ना और हम हैं मुस्लिम सब फर्मा बरदार फिर जब वो आ गई तो उसने कहा दरिया किया गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है कि मतलब जब वो आ गए तो उससे पूछा गया कि आपका भी ऐसा ही मलका से पूछा गया उसने जवाब दिया कि ये गोया वही गो है हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान हैं मुसलमान थे अब यहाँ पर जो है आगे है कि वह खुद और रोका उससे माँ यहाँ पर मुश्किल वर्ड है सदहा यानी रोकना वह सौद दहा रोका उसे माँ जिसकी कायनत वो थी तबू तो वो इबादत करती मिंदून अल्लाह तला के सिवा इन्ना बेशक कानत थी मिन कौम इन काफिर लोगों में से उससे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह ताला के सिवाश करती थी यकीनन वो काफी लोगों में से थी किला कहा गया लाहा उससे हो सरहा महल में फल जब रोतू उसने देखा उससे हंसी बात उसने समझा उसे लुज्जतन गहरा पानी वकत और उसने कपड़ा उठाया अनसा अपनी पंडलियों से कहा इन्ना बेशक वो सौरहुन एक महल

फरमाया ये तो शीशे से मंडी हुई अमारत है कहने लगी मेरे परवरदिगार मैंने आपने आप पर जुर्म किया अब मैं सलमान के साथ अल्लाह रबुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ अब यहाँ पर मुश्किल वर वर्ड है यानी महल लुजतन गहरा पानी अनसाकहा अपनी पंडलियों से मिन आ, मिन कवारीला शीशों वाले यानी शीशों से वाला कदर अलबत्त की बिलाशुबा यकीन अरसल्ला भेजा हमने

फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे क़ोला कहा या क़ौमी ऐ मेरी कौम लिमा किस लिए तसताजिलूना तुम सब जल्दी तलब करते हो इस से याति बुराई को क़बला पहले अलहसलाति भलाई के लवला क्यों नहीं तस्तगफिरूना तुम सब मग़फ़रत तलब करते हो अल्लाह तआला से लल्लकम ताता तुम तरहमुन तुम सब रहम किए जाओ के आपने फरमाया ऐ मेरी कौम ऐ मेरी कौम के लोगों तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो तुम अल्लाह तला से इस्तार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए कौलू उन सब ने कहा तो यरना, हमने मनहूस पाया बिका तुझको वीमन और उनको जो तेरे साथ थे कौला उसने कहा तो तुम्हारी नहुसत या तो अल्लाह के पास बल बल्कि एक कौम हो लोग हो तुफ तनून तुम सब आजमाए जा रहे हो वो कहने लगे हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं आपने फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ है बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो हु। अब यहाँ पर इसका मतलब मुश्किल वर्ड ये है कि तो, तो, तो ना कि हमने मनहूस पाया और दूसरा है कि तुफ तनून तुम सब आजमाए जा रहे हो अब यहाँ पर मतलब कि इस बात का मफहूम क्या है कि तुम्हारी ये तहरीर जो है वो हमारे लिए सख्त मनहूस साबित हुई है जब से तुमने और तुम्हारे साथियों ने दीन आबाई के खिलाफ ये बगावत शुरू की है हम पर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत नाजिल होती रहती है क्योंकि हमारे महाबूत हमसे नाराज हो गए हैं इस महीने के लिहाज से जो है मतलब वो कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने ये तहरीफ शुरू किया ना कि अल्लाह पर ईमान लाओ और बाकी शरीकों को छोड़ दो इस वजह से हमारे जो उनसे नाराज हो गए और उस वजह से हर थोड़े दिन बाद हम पे कोई ना कोई मुसीबत या तकलीफ आई रहती है वकाना का, और थे फिल्मा थी शहर मेंसाद करते थे फिर आर्जी जमीन में वला और नहीं उसलाह करते थे यहाँ पर मुश्किल वर्ड है इश, नौ सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इसलाह नहीं करते थे उन सब ने कहा तुम सब आपस में कसम खाओ अल्लाह की लनु बी तन्ना जरूर बिल जरूर हम को करेंगे उस पर वह जरूर, जरूर हम मौजूद थे महाली का हलाकत के वक्त आहली ही उसके घर वाले उसके वाले व इन और बेशम अलबत् वाकई सच्चे हैं उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खा खा कर रात ही कुछ सवाल और उसके घर वालों पर हम छापा उसको साले और उसके घर वालों पर हम छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हमने उसके के हलाकत के वक्त मौजूद ना थे कि हम कि उनको उनके इरादा था कि उन पर हमला करें और बाद में कह दें कि हमें इस बात का नहीं मालूम इस बात की कोई मालू, मालूम नहीं है, हमारे पास और हम उस वक्त मौजूद नहीं थे वो मकर और उन सब ने चाल चली मकरन एक चाल व मकर और हमने तदबीर की मकरन एक तदबीर बोला नहीं या शुरून वो सब उन्होंने मकर खुफिया की हजरत साल के खिलाफ और हमने भी, ताला ने भी एक तदबीर की और वो उसे समझते ही ना अल्लाह ती थी कूंचे काटने के बाद ही थी वाली जो तो साजिश हजरत साल के खिलाफ की थी यानी कबल उसके वो अपने तयशुदा वक्त पर हजरत साल के हाँ पहुंचते उन पर जो उनका इरादा था हमला करने का वो करते अल्लाह ने उन पर अजाब भेज दिया और न सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी कौम तबाह हो गई ये अल्लाह ताला की तदबीर थी ठीक है उन्होंने तो एक तदबीर की थी जो वो चाह रहे थे करना साल पे हमला उनके घर पर लेकिन अल्लाह ताला की तदबीर जो थी वो उससे ला या शोर उसका शऊर नहीं रखते थे कि अल्लाह तला ने उसी रात उन पर अजाब भेज देना था फौजूर प्रसाद देखें कईफा किस तरह काना हुआ मकरीम उनकी चाल का अन्ना हमने दंबर ना हमने हलाक कर दिया उन्हें और उनकी को सबके जो साजिश थी उनका अंजाम कि ऐसा हुआ कि हमने उनको और उनकी कौम को सबको गारत कर दिया फिले वो यूं तो हम उनके घर खावियत खाली वीरान गिरा हुआ बीमा उस वजह से जो जोलाम उन्होंने जुल्म किया इना अभिषेक फिजाली का इसमें लायातन यकीन निशानी है उसको लोगों के लिए या लमून वो जो सब रखते हैं और हमने निजात दिए लजीना, लजीना उन लोगों को जो आमन सब ईमान और सब थे वो यकुन वो सब डरते हैं ये है उनके मकानात जो उनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें बड़ी निशानी है

इल्ला मगर अन ये के अकौलो उन सब ने कहा अखरीजो तुम सब निकाल दो आला लूतिन लूत, लूत अलैहि सलाम के घर वालों को मिन करियाती हूँ अपनी बस्ती से इन्ना हूँ बेशक वो उनासुन लोग हैं या तो, तो हरून वो बहुत वो सब जो मतलब लोग हैं लूत अलैहि सलाम के वो सब बहुत पाकबाज बनते हैं कौम का जवाब ये था कि आले लूत को अपने शहर से शहर बदल मतलब के शहर से निकाल दो और ये लोग तो बहुत ज्यादा उनका सजा किया क्यों निकाल दो क्योंकि ये लोग बहुत पाकबाज़ बनते हैं फान जो ना हो तो हमने निजात दी उसे व हो और उसके घर वालों को इल्ला सिवाय इमरा उसकी बीवी के कदर ना हा, हमने फैसला कर दिया था उसका मिनल ग्वाबीरीन पीछे रहने वालों में से अब यहाँ पर मुश्किल है मिनल ग्वाबीरिन पीछे रहने वालों में से और इसका मफूम है के पास हमने उससे और उसके अहले यार को वजह उसकी बीवी के मतलब उसकी बीवी के सिवा सबको बचा लिया उसका अंदाजा तो बाकी रहने मतलब कि उसका जो अंदाजा था वो बाकी रह जाने वालों में ही लगाया जा चुका था जो उसकी बीवी थी हज लुतले सलाम की वो तबाह होने वालों में से थी वो ईमान नहीं लाई थी वा और हम तौरना हमने बरसाई अलैहिम पर मातरम बादशाह फसा पसबुरी पसबुरी थी मातरम बारिश अल डराए गए हुए लोगों की और उन पर एक खास किस्म की बारिश बरसा दी गई उन द, द, दे, हुए लोगों पर बुरी बारिश हुई कह अब पर सलाम था था? की, की कौम पर तेज बारिश का अजाब आया था कुल अलहमदुल्ल आप कह दीजिए सब अल्लाह के लिए है वो सलाम सलाम अला इबादी ही उसके बंदों पर अल्लाजीना जिन्हें आ, तो जिसे उसने चुन लिया अल्लाह खैरुन बेहतर है अम्मा या जिन्हें युशुन वो सब शरीक ठहराते हैं अब इसका मकूम है तो कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके बरगजीदा बंदों पर सलाम है क्या ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं सुबह अशहदों